अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ मारिया। आज मैं बना रही हूँ मैंगो जूस। बहुत ही सिंपल रेसिपी है उसकी। मैं सिर्फ ये तीन इंग्रेडिएंट्स जा रहे हैं। मैंने तीन सिंदरी आम लिए हैं और दो मैंने कच्चे आम लिए हैं, और इसमें जाएगी थोड़ी सी चीनी अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आमों को चॉप कर लेना है, पके हुए आम को भी और कच्चे आम को भी। फिर आपने एक पैन लेना है और उसमें आपने चॉप्ड आम डाल देने हैं, कच्चे भी और पके हुए भी। इसमें दो कच्चे आम भी जा रहे हैं जो कि काफ़ी खट्टे होते हैं, तो इसमें चीनी आपको ज़रा ज़्यादा डालनी पड़ेगी। मैंने यहाँ पर इसमें एक कप चीनी डाली, लेकिन बाद में मैंने इसमें काफ़ी सारी चीनी और डाली। तो आप भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें, मेरा ख्याल है 3 कप अगर आप चीनी डाल लेंगे तो वो इनफ होगी। तो फिर आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है और इसको 10 से 12 मिनट के लिए आपने उबाल लेना है। उबालने का मकसद ये है कि ये थोड़े से इसका जो गूदा है ना वो सॉफ्ट हो जाए, जो कच्चे आम हैं वो भी सॉफ्ट हो जाएंगे और पके हुए भी। आपने इसका कलर फेंट नहीं होने देना, बस आपने इसको 10 से 12 मिनट तक ही सिर्फ उबालना है। फिर आपने एक छन्नी लेकर गूदा अलग कर लेना है और पानी उसमें से अलग कर लेना है। मैंने एक बड़ी साइज़ की छन्नी ली है और उसको मैंने अच्छी तरह से दबा कर उसमें से गूदा अलग कर लिया है और उसका पानी अलग कर लिया है। पानी को आप एक साइड पर रख देंगे और आपने इस गूदे को क्या करना है, एक ब्लेंडर लेकर उसमें आपने ये डालकर गूदा और इसको अच्छी तरह से कर लेना है ब्लेंड। आप इसको प्रॉपर 2 से 2.5 मिनट तक मुसलसल इसको ब्लेंड करेंगे ताकि इसका फाइन सा टेक्सचर बन जाए। फिर आप दोबारा से छन्नी लेंगे और इस गूदे को, ब्लेंड हुए हुए गूदे को दोबारा उसमें से छान लेंगे। दोबारा छानने का मकसद ये है, हालांकि इसके ऊपर कुछ रह नहीं जाएगा, ये सारा इसमें से गुजर जाएगा। थोड़ा मुश्किल है, चम्मच से दबा दबा कर आपको करना पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी थिक कंसिस्टेंसी में है। लेकिन दोबारा से इसको छानने का मकसद ये है कि ये बहुत ही फाइन सा टेक्सचर बन जाएगा, जूस के अंदर जर्रे वगैरह नहीं नज़र आएंगे, बिल्कुल एक स्मूथ सा बन जाएगा ना इसका टेक्सचर। आम उबालने के बाद जो आपने पानी अलग किया था और गूदा अलग किया था, वो पानी आपने दोबारा लेना है और ये ब्लेंड हुआ हुआ गूदा आपने दोबारा से इसके अंदर शामिल कर देना है और आप इसको अच्छी तरह से हिला लेंगे। अब ये आपके पास बहुत ही थिक और बहुत ज़्यादा मीठा जूस तैयार हो गया हुआ है। ये आप ऐसे नहीं पी सकते, आप इसमें अलग से पानी और ऐड करेंगे जब आपने इसको पीना होगा। तो आप ये बनाकर इसको आप एक बॉटल में भर के फ्रिज में स्टोर कर लें, 7 से 8 दिन के लिए आप इसको स्टोर कर सकते हैं। और जब आपने पीना हो आप इसको निकालेंगे, इसमें पानी और बर्फ़ शामिल करेंगे और जैसे स्क्वैश पीते हैं हम, उस तरह से आप पी लेंगे। लेकिन स्क्वैश को हम ज़्यादा से के लिए स्टोर कर सकते हैं ना, इसको आप 7 से 8 दिन के लिए कर सकते हैं। उसके बाद इसका कलर और इसकी इसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। तो आप इतना ही बनाएं जितना आप 7 से 8 दिन के लिए आप इसको यूज़ कर लें, और जब आपने पीना हो आप इसको जग में निकाल लें और इसको पिएं। बिल्कुल जैसे नेस्ले का जूस होता है ना, चौंसा जूस जो हम नेस्ले का मार्केट से लेकर पीते हैं, ये बिल्कुल वैसा ही बनता है। बहुत मज़े का बनता है, बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। आप इसको लाजमी ट्राई करें, बहुत ही सिंपल रेसिपी है। आजकल जैसे ये कोक और सेवन अप वगैरह इस तरह के ड्रिंक्स को लोग पसंद नहीं करते हैं, तो अपने गर्मियों में अपने गेस्ट को सर्व करें। बहुत ही सस्ता और बहुत ही मज़े का जूस आपका तैयार है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।